मेरे अति प्रियो यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। एक नए महीने में आए हैं। पिछले महीना भर में परमेश्वर आपके लिए भलाई किया है ना। उसने वादा किया, डरो मत, मैं तुम्हारे संग। परमेश्वर वैसे ही वादा को पूरा किया है ना। देश में अखबार में हमें डराने के लायक इतने खबरें आया था, लेकिन उन सारे खबरों के बीच में परमेश्वर आपको और हमको सबको जो है हमें सुरक्षा के साथ अगुवाई किया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना है ना। नया महीना में परमेश्वर क्या कहने के लिए चाहता है? परमेश्वर का वादा आज ये है, यशायाह नबी की पुस्तक 43 अध्याय का दूसरा वचन में ये लिखा है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा। आई विल विद यू। परमेश्वर कहता मैं तेरे संग रहूंगा। उसने कहा था मैं तेरे संग हूं। जब कभी आप जल में होके जाएंगे, परमेश्वर आपके संग रहने के लिए वादा देता है। और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब भी तुझे आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। प्रभु संग है। ऐसे परिस्थिति को हमें पार करना है। नदियों में होकर चलना है, पानी को पार करना होगा, आग में होके निकलना होगा। और परमेश्वर कहता है परमेश्वर किनारे नहीं, आपका संग होके आपका रक्षा करेगा। जब इसराइलियां पानी में होकर चल रहे थे, प्रभु ने उनकी रक्षा की। जब वे लाल समुद्र के पास आए, जब वो उनको पता ही नहीं चला कहाँ जाएं, उस वक्त में परमेश्वर अद्भुत रीति से उनको वहां से निकाला। उनको वहां से निकालने के लिए परमेश्वर समुन्द्र को दो टुकड़ा किया, लाल समुन्द्र को उन्होंने पार किया। कितना अद्भुत काम है ना। लगभग 18 किलोमीटर उस पानी कम से कम 100 फीट के लंबाई में खड़ी होगी। लहरें दीवाल का समान खड़ा हुआ है। परमेश्वर अद्भुत काम किया। आपके जीवन में इतना परेशानी है ना, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। जरूर आपका जीवन में परमेश्वर ऐसे अद्भुत काम करेगा, चिंता नहीं करना। जब नदी में होकर चलना है नहीं डुबा सकेगी। वो यर्दन को पार कर आए थे ना। कटनी के समय में यर्दन की नदी जो है धारावाहिक बहती थी, बाढ़ के समान आती थी, कोई वहां खड़ा नहीं हो सकेगा। देश भर हमने खबरों को सुना है, पूरे देश में इतना बाढ़ आया था, लोग इतना तितर बितर हुए, लेकिन प्रभु ने रक्षा किया था ना। ऐसे बाढ़ में कौन खड़ा हो सकता है? परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। शैतान इतना जो है मुसीबत को खड़ा करेगा, मैं रक्षा करूंगा। जब अग्नि में होके चलना है तुम्हें परमेश्वर रक्षा करके आगे आपको निकालने वाला है। शत्राक मेशाक आबेदनेहो में अग्नि को डाल रहे थे। उन लोगों ने सोचा था ये तीनों आग में ना सो जाएंगे, कर सब ने सोचा। परमेश्वर ने वो तीनों को इतना जो है सुरक्षा के साथ बाहर निकाला। उन लोगों के कपड़ा में थोड़ा सा भी आग की झलक भी वहां दिखाई नहीं पड़ा। आप डरना नहीं है, आपके विरोध में अग्नि को लोग जो है इतना तेज से लोग आपके लिए तैयार करेंगे, लेकिन प्रभु आपको सुरक्षित रखेगा, डरना नहीं। इसलिए इस जीवन की मार्गों में आपको डरना नहीं। जिस रास्ता में समुन्द्र रास्ता देगा, नदियों में वो के जाने से प्रभु सुरक्षित रखेगा, वहां परमेश्वर समुद्र में रास्ता निकालेगा, डरना नहीं। यही वादा है। इसलिए आपको प्रभु से कहना, हे परमेश्वर मैं नदी को पार करूंगा, आग को पार करूंगा, सारी परिस्थिति में नहीं डरूंगा। हिम्मत से खुशी से रहना। प्रार्थना करेंगे, हे पिता तू हमारा संग रहने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जब नदियों में होके जाना है तू हमारे संग रहता है, समुद्र जैसे लहरों के अनुभव में तू हमारे संग रह के हमें तू अगुवाई करता है। इसलिए हम आपको स्तुति करते हैं प्रभु। अग्नि जैसे परीक्षा के समय में सुरक्षित रह के तू हमें अगुवाई करके हमारे संग रहता है प्रभु। तू हमारे हाथ पकड़ के अगुवाई करता है, किसी से हम नहीं डरेंगे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु। आमीन आमीन।